आज मैं चींटियों के लिए आटा लाया हूँ घर से, इनको फाटा खिलाना है तो इनको आटा दे दिया जाए। वैसे तो और किसी ने भी यहाँ पे आटा दे रखा है लेकिन मैं भी दे देता हूँ, थोड़ा सा आटा यहाँ दे देता हूँ, थोड़ा सा आटा यहाँ दे देता हूँ। और कहाँ दिया जाए, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हैं तो और कहाँ दिया जाए आटा, थोड़ा आटा यहाँ दे देते हैं सही रहेगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो, फाइनल पार्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। पर चींटियाँ आटा खाती है कि नहीं खाती वो मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग खिलाते हैं। लैमी ने बोला कि हमें भी खिलाना चाहिए, पुण्य मिलता है तो मैं लेके आया। हाँ खा रही है, खा रही है, ये सारी चींटियाँ खा रही है हमारा आटा। वाह लगे रखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे सुबह के 11 नहीं एक्चुअली में 11:15 हो रहे हैं। और सुबह जल्दी उठ गया था आज भी, रूटीन आज वॉक पे गया था मैं एक्सरसाइज वॉक से आ गया और उसके बाद बहुत ज़्यादा बिजी हो गया क्योंकि अपना मतलब ऑफिस का भी काम था और उसके बाद यूट्यूब का आज मेरा एक क्लास भी था तो यूट्यूब की तरफ से इन्विटेशन आया था तो उस क्लास में मैंने ज्वाइन कर रखा है तो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। तो मैं भूल ही गया था कि ब्लॉग की स्टार्टिंग शूट नहीं हुई है तो मैंने अभी शूट कर लिया। तो अभी मैं बैठा हूँ यूट्यूब के क्लास में, नैमी अपना काम कर रही है और मैं ऑफिस का काम साइड में रख के अभी यूट्यूब का क्लास कर रहा हूँ। ये देखो, दिस इज द क्लास दैट आई हैव जॉइंड, इट इज़ अबाउट ऑडियंसेस एल्गोरिथम एंड एनालिटिक्स। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, होपफुली सीख के हम जल्दी जल्दी अपने चैनल को ग्रो कर लें। फिलहाल मैं क्लास में ध्यान देता हूँ तो बाकी का जो कंटेंट है थोड़ा सा लेट बनेगा, क्लास 3 बजे तक चलने वाला है। इसकी सर्विस कराई थी लेकिन इसी जो है गैस वैस सब डलाया, रिपेयर कराया लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम चालू हो गई है, अब ये ठंडा ही नहीं कर रहा है तो मैंने उसको दोबारा बुलाया है, अभी वो बंदा आएगा तो एसी का काम हो जाएगा। मैक्स बिल्कुल प्यार मत करो, ये आपसे प्यार नहीं करते, आपका बर्थडे स्पॉइल कर रहे हैं। योगा क्या करने लगता है तुमने, योगा मास्टर, योगा मास्टर गुस्सा आ गया उसको, ऐसे करता होगा तो पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है। क्या हुआ मैक्स? तो मैक्स का बर्थडे आने वाला है 3 डेज बाद, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या क्या किया जाए, क्या क्या ना किया जाए। अभी वेन्यू डिसाइड नहीं है क्योंकि कुछ कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है, तो मैं अविनाश को बोल रही हूँ, लिस्ट बना रही हूँ क्या क्या लेना है। तो मेरी लिस्ट में से 3-4 चीज़ें तो ये काट चुकी हैं कि इसके लिए अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अब मैं इनको बोल रही हूँ कि एटलीस्ट इसके लिए एक बंडाना तो दिला दो। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया। क्या? अगर अब आपने उल्टा सीधा आइडिया दिया ना तो देख लेना, ये आपका लास्ट आइडिया होगा फिर। एक रुमाल, रुमाल खरीदो, उसको ऐसे ट्रायंगल बनाओ और ऐसे घुमा के बांध दो, बंडाना हो गया। तो आप बांधो वो वाला बंडाना। कभी बोल रहे हैं कि ना मेरा इतना सारा राइडिंग वाले बंडानास पड़े उसमें से कोई बांधो, कभी कह रहे हो अपने वाला बंडाना बांधो, अब ये नया हैंकी वाला ले। इसका बंडाना 500-600 का मिल रहा है, 15 रुपए में काम हो जाएगा, इससे अच्छा क्या चाहिए तुमको। हो गया कल्याण तुम्हारे रोज का? यार ये सुसु पे क्या, इसने अपना फूड भी इधर डाल दिया। क्यों सुसु किया मेरे इस पे प्लान में? क्यों किया भाई? नो मार्किंग कर दिया इसने यहाँ पे देख लो। अब ये रोज करेगा क्या? ऑलमोस्ट हाँ करेगा। क्यों किया जी? पिजन दिखा रहे थे ना तो ये अपना एरिया मार्क कर रहा था। फिर देखो इसको देखने के चक्कर में, इस पिजन को देखने के चक्कर में यहाँ इसने मार्किंग कर दिया। बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है, घर में मार्किंग नहीं करना चाहिए। ही इज अ बैड बॉय। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मैक्स के नए अड्डे पे जहाँ पे ये घूमेगा, ये है बिल्कुल। तो सर्विस लेन है एंड ऑलमोस्ट आप लगा लो कि खाली है पूरा आगे पीछे, तो यहाँ पे मैक्स को भगा लेते हैं तो थोड़ा सा सही रहता है। ओ भाई साहब ये देखो कितने सारे लोग इसमें जा रहे हैं, कितने सारे। कम से कम 5 लोग होंगे इसमें। सुनी थी मैंने, पंजलिंग नहीं सुनी थी। पंजलिंग अभी चोंगलिंग भी आएगी। चोंगलिंग चली गई, चली गई चोंगलिंग।
नहीं नहीं यार नहीं। प्रॉमिस मुझे आती है यार इतनी, तो उधर से बैठ तो सही। नहीं मैं बस जितना काम दिया गया आज उतना करो। मेरे पे भरोसा, पहले एक बार गियर सारा लगाओ, चाबी लगाने की लोड नहीं है, पहले गियर पे क्लच पे पैर रखो ना। ये क्लच है, अभी अभी बोल रही थी कि मैं गाड़ी चलाऊंगी। बड़े दिन बाद में पापा ने मेरे से चलवाई थी, थोड़ा यू नो सीट से अलाइनमेंट भी चेंज करना था। अरे तुमको चला निकाली, हाँ ठीक है ठीक है, क्लच दबा दे, अब गियर वन लगाओ। नहीं गलत गलत, हाँ वन टू लगाओ, ठीक है थ्री लगाओ, गुड फोर लगाओ, गुड फाइव लगाओ, गुड रिवर्स लगाओ, गुड सीधा करो। अब न्यूट्रल है, अब बस स्टार्ट करो, चलाना नहीं है पहले बता दे रहा हूँ मैं। ब्रेक का ही है ना? हाँ वो उस पैर से नहीं लगाया जाता है ब्रेक, ऐसे नहीं स्टार्ट होगा। इसको इधर घुमाओ, रुको छोड़ो इसको, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, अब ऑन हो गया, क्लच दबा है, पूरा दबाओ क्लच, पूरा दबाओ, ठीक है अब स्टार्ट करो। ठीक है आज मैं भरोसा करके गाड़ी पे बैठा हूँ, कह रही है कि मैं थोड़ा सा चला के दिखाऊंगी, अगर कुछ हुआ गड़बड़ और अगर मैं कल से नहीं दिखा एक एस ब्लॉग पे तो आप समझ जाना कि ये आज की मेरी आखिरी ड्राइव थी। ऐसे मत बोलो यार। चलो चलो तो भाई ड्राइवर आदमी करता है, मैं करता हूँ, ये तो दबरी नहीं है। हैंड ब्रेक इससे हो नहीं रहा यार, ये गाड़ी अच्छी नहीं है, गाड़ी अच्छी नहीं है। चलो हैंड ब्रेक मैं नीचे कर दूंगा, तुम स्टार्ट तो करो। ठीक है गियर लो, क्लच दबा के पूरा, ठीक है रुको अभी और बंद करो गाड़ी, आप इतने डरो मत, आगे से कोई आ रहा है मैं नहीं चाहता, बेचारा तैयारी कर रहा है किसी चीज का, मैं नहीं चाहता उसकी आखिरी तैयारी हो जाएगी। चलो ठीक है ठीक है रुको, हैंड ब्रेक पूरा क्लच दबा हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एस्केलेटर हल्का हल्का दबाना है, क्लच नहीं छोड़ना है, एस्केलेटर नहीं दबाना है, सिर्फ क्लच छोड़ना है तुमको, ठीक है। कोई नहीं मैं दोबारा से ट्राई करूंगा। चलो फिर से करो स्टार्ट। मैक्स कहेगा ये क्या ड्रामा चल रहा है। मैक्स बेटा तुम्हें पता भी नहीं है तुम किस खतरे में बैठे हो, देखते रहना कोई आता नहीं ना। धीरे धीरे छोड़ो, धीरे 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 धीरे, ओहो बस क्लच दबाओ, क्लच क्लच दबाओ, सीख जाएगी जल्दी सीख जाएगी, क्लच दबाओ ब्रेक दबाओ। भाई बंद करो गाड़ी, आज हो गया तुम्हारा। पहले बताओ कि ब्रेक अचानक से क्यों दबी? क्योंकि तुमने ब्रेक अचानक से दबाया, इसलिए अचानक तो से दबाया। तो ब्रेक दबा, तो मैंने बोला ब्रेक दबा तो अचानक जैसे कोई ब्रेक दबाता, बेचारा मैक्स का क्या हाल हुआ देखो, पूरा इसका ये सब उड़ गया। बेटे तुमको पता भी नहीं तुम किस खतरे से खेल रहे हो, बेचारा मैक्स यहाँ तक आ गया था। मैंने भी भरोसा करके तुमको दिया है, ऐसा नहीं फील्ड में दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे आगे पीछे कोई आ रहा है ना भाई, वो लोग इतना तैयारी में दौड़ रहे हैं आर्मी आर्मी का निकालने के लिए एग्जाम, और पता चलेगा ये उनकी आखिरी तैयारी हो गई। पानी पिलाया जा रहा है ताकि गाड़ी में बैठा बैठा दिमाग ना खराब करे। कपड़े देखो ना मेरे कैसे गंदे किए, कपड़े तो भाई कर ही देता है गंदे पूरे, देखो चला जाए घर, जिप निकल गया एक हाथ का बाहर। कैसे दिए अविनाश? 30 रुपीज। नारियल हम पी लेंगे, नारियल मैक्स खा लेगा। हाँ ये पानी तो पीता नहीं है, घर पे तो पी लेता है, बाहर नहीं पीता। जब इसके लिए स्ट्रॉ से जब तक मिलेगा तब तक पिएगा, स्ट्रॉ से नहीं मिलेगा तो नहीं पिएगा, ना करे कम नहीं। जब तक इसके लिए डेडिकेटेड लो ना तब नहीं पिएगा, हमारे में से पीना है इसको। तो नारियल दे दो भैया, गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू। मैक्स के बर्थडे का केक है ये, ठीक है। अच्छा क्या दिमाग लगाया जा रहा है पहले बताओ तो। अरे
वहाँ पे छोटा कर्टन नहीं लग रहा ना जब तक, तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे करके कुछ हो जाए। तो एसी चलाने के लिए हम लोग को कर्टन साइड करना पड़ता है, जिसके कारण कि ये वाला जो विंडो है पूरा एक्सपोज हो जाता है, और ये जब एक्सपोज हो जाता है तो सुबह सुबह बहुत लाइट आती है, तो इसके कारण एक बेनिफिट है कि बंदा जल्दी उठ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब दिन भर पूरे दिन लाइट आता है। हाँ, और अब तो, लाइट जलेगी ना तो बाहर से अंदर का दिखता है। हाँ, तो सारा कुछ दिखता भी है, तो इसके लिए जो है ये देखो दिमाग लगाया गया इसके द्वारा।